और सरकारी मुलाजमीन के लिए है बुरी खबर, क्योंकि वफाकी काबीना ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन ना बढ़ाने का फैसला किया है। वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास में बजट तजावीज़ की मंजूरी दे दी गई। इक्तसादी टीम ने मिजानिया के खदो खाल पर अराकीन को ब्रीफिंग दी। बजट ऐवान में पेश करने से पहले वफाकी काबीना के खसूसी इजलास में बजट तजावीज़ की मंजूरी दी गई। वफाकी काबीना का खसूसी इजलास वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें बजट तजावीज़ के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। काबीना ने सालाना बजट बराए 2020 और 2021 की तजावीज़ की मंजूरी दी। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने वफाकी बजट पर खसूसी ब्रीफिंग दी। काबीना को तरक्याती बजट, सब्सिडी, बरामदात, दरामदात पर कर्जों समेत मजमुई ग्रांट्स, टैक्सेस की शरह, दिफाई और तालीमी बजट पर भी ब्रीफिंग दी गई। खसूसी इजलास में वजीर आजम इमरान खान ने भी काबीना अराकीन से खिताब किया और इजलास में मौजूद अरकान को मजमुई बजट पर एतमाद में लिया।